बैक टू माई चैनल लेडी प्रिया। कैसे हो आप लोग? और ये देखो कितना सारा कपड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, छत पर से लाए हैं हमने, लाए मेरे हस्बैंड लाए हैं छत पर से कपड़ा। हमको बहुत लेजीपन हो जाता है छत पे जाने में, तो लाए देखिए इतना सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, सबको फोल्ड करके सेट करना है। फिर ये सब कपड़ा स्टिचिंग के लिए रखे हुए, ये है और एक वो ब्लाउज है, वो वाली जो ब्लाउज रखा हुआ है वो इसको लाए थे, गए थे तो वाली ब्लाउज, तो इसको ना फिटिंग कर लेते हैं खुद से, स्टिचिंग कर लेते हैं। उस दिन पहन कर देखे तो लूज था, इसको खुद से स्टिच कर लेते हैं तो परफेक्ट हो जाएगा। और शाम का सोच रहे हैं अब डिनर क्या होगा, और ये सब कपड़ा है सब, बेड भी है सेट नहीं किया, बेड भी वैसे ही सब पड़ा हुआ है देख लो सब। और बउआ का आज मेरा भी बेटा का मेरा खाना भी नहीं हो पाया, क्योंकि स्कूल से आया है, फिर सर आ गए हैं, सर आ गए हैं तो फिर सर पढ़ाई करने लगा है, और उसके बाद अभी जस्ट वो खाना खाया है। तो हम सोचे थोड़ा पढ़ाऊँगा हमको नहीं, ये हमको स्टिचिंग करने का मन नहीं करता, क्योंकि ढेर सारा जब कपड़ा हो जाता है पड़ा हुआ रहता है तो तब जाकर कर लेते हैं, नहीं तो स्टिचिंग वैसे ही कपड़ा सब पड़ा हुआ रहता है। मेरे हस्बैंड तो बहुत टाइम हो जाता है तो फिर ले जाते हैं टेलर के पास स्टिचिंग करवाने के लिए, छोटा मोटा हो जाता है तो हम कर लेते हैं घर पे ही, क्या देना टेलर को, बेड सब सेट करना है, किचन का वैसा ही है, किचन का भी बर्तन सब वैसा ही है, सब पड़ा हुआ अच्छा सा कोई भी नहीं है। थोड़ी देर पहले मम्मी से बात की है, मेरी मम्मी का तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मम्मी का मेरा तबीयत खराब है, अभी चल रहा है जा रही, कुछ पानी हमको प्यास, आपको पता है कि हमको प्यास बहुत लगती है वहाँ। ये था मेरा आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और नए मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ओके बाय, लव यू, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, बाय। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल लेडी प्रिया। कैसे हो आप लोग? और सुबह सुबह अभी अभी थोड़ी देर पहले बउआ मेरा स्कूल चला गया है, और अभी टाइम हो रहा है 8 बज चुका है, और हम जा रहे हैं अब अपना डेली का वर्क करने, जो करते हैं डेली का वर्क वही क्लीनिंग, खाना बनाना वही सब। और सुबह सुबह चाय पी ली, चाय पिए तो उसमें चीनी भी कम था थोड़ा सा, चाय में सुबह सुबह चीनी भी कम हो गया, हमको ही पता नहीं चला। अब सोच रहे हैं कि क्या खाना बनाए, क्या बनाए खाना सुबह सुबह का काम। अब खाना बनाने के लिए अब सोचना होगा कि क्या खाना बनेगा। एक्चुअली ना इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है ना काम करते करते, घर में कितना सारा काम हो जाता है काम करते करते, डेली का वर्क कोई 12-1 बज जाता है मेरा काम करते करते। उसके बाद बउआ भी स्कूल से आ जाता है, स्कूल से आने के बाद उसको खाना देते हैं, खाना खा लेता है, तो फिर हम जाकर थोड़ी देर आराम करते, फिर आराम करने के बाद सर आ जाते, सर के लिए फिर चाय बनाना होता है, बहुत सारा काम हो जाता है घर में। और अभी तो विंटर आ गया, फिर
विंटर में तो और ज़्यादा काम मन नहीं करता काम करने के लिए, ऊपर से तो ठंडी लगती है सुबह सुबह इतना ज़्यादा कि मन ही नहीं होता कि सुबह सुबह उठे। और कल हम गए थे मार्केट, मार्केट गए थे तो कल दो नेल पेंट लिए, और क्या लिया, और कुछ नहीं लिए। हाँ, दो नेल पेंट लिए और एक फेस मास्क लिए। बहुत दिन से सोच रहे थे नहीं फिर पे अप्लाई किए थे, मैं फिर बहुत बेजान हो गया था, देख लूँगी सब हो गया अब से, तो फेस सीट मस्त और कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं था। हाँ, और बुटीक में कपड़ा दिए हैं सिलने के लिए, स्टिचिंग हो जाएगा तो फिर आएगा तो हम दिखाएंगे आपको। एक्चुअली ना कपड़ा पड़ा ही हुआ था घर में, तो सोचे कि उसको ठंडी में पहन जाते हैं, तो वॉलवेट का कपड़ा है स्टिचिंग के लिए दिए, वन पीस सिलने के लिए दिए हैं, आप बन के आता तो हम दिखाते हैं कैसा था कपड़ा। मार्केट से लिए नहीं था ही घर में, तो सोचो उसको स्टिच करवा के पहन लेते हैं। अब बन के आता, कल गए थे तो बुटीक वाली थी भी नहीं, वो कहीं गई हुई थी, तो वो आएंगी तब भी स्टिच होगा, तो हमको लगता है अभी टाइम भी लगेगा स्टिच कपड़ा होने में। कल देख कर आ गए हैं, फिर माप के लिए भी तो कोई भी, या फिर कभी जाकर दे देंगे, वो आएंगी तो, वो तो थी नहीं तो फिर कपड़ा बस ऐसे ही रख दिए उनके शॉप पे और चले आए, वो आएंगी तब जाएंगे। तो फिर अब जा रही एक बार और चाय बना लेने, समय सुबह सुबह का चाय पिए तो मीठा भी चाय नहीं था, मीठा तो एक्चुअली हम ज़्यादा पीते नहीं बट फिर भी मीठा रहता, लेकिन मीठा तो हुआ ही नहीं चाय। सुबह सुबह उनको मन भी नहीं होता काम करने का कुछ भी, सुबह सुबह उठो फिर अब जा रहे मम्मी से, थोड़ा सा मम्मी से बात कर लेंगे तो फिर खाना बनाते हैं, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। ओके बाय।